कंगना रनौत और अनुराग कश्यप के बीच वर्ल्ड वॉर छिड़ गई। दोनों सितारों ने ट्विटर पर एक दूसरे की खूब टांग खिंचाई की। कंगना ने जब से बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर बात छेड़ी है, उनकी जुबानी जंग जारी है। कभी डायरेक्टर अनुभव सिन्हा से, कभी जया बच्चन से, तो कभी उर्मिला मातोंडकर से। अब कंगना के एक ट्वीट पर अनुराग कश्यप ने ऐसा जवाब दिया कि दोनों के बीच बहसा बहसी हो गई। कंगना ने ट्वीट किया, इसका अनुराग कश्यप ने जवाब दिया। अब अनुराग के ट्वीट के बाद कंगना कहां चुप बैठने वाली थी, एक्ट्रेस ने फिर ट्वीट किया, फिर अनुराग कश्यप ने जवाब दिया। कंगना ने रिप्लाई किया, ओ मैं यहां किसी को शर्मिंदगी से पिघलते देख रही हूं, जिसका शायद ही कोई मतलब है। वैसे भी मैं इसे बदतर नहीं बनाना चाहती, मैं पीछे हटती हूं। बुरा मत मानो दोस्त, प्लीज हल्दी वाला गर्म दूध पीकर सो जाओ, कल नया दिन है। कंगना ने उर्मिला मातोंडकर को सॉफ्ट पॉर्न स्टार बता दिया था, जिसके बाद स्टार्स उनकी आलोचना कर रहे हैं। टाइम्स नाउ को दिए एक इंटरव्यू में कंगना ने कहा था, यहाँ तक कि उर्मिला भी, वो एक सॉफ्ट पॉर्न स्टार है, मुझे पता है ये बहुत प्रबल वाक्य है, लेकिन वो कभी अपनी एक्टिंग के लिए नहीं जानी गई, ये तो तय है। वो किस चीज़ के लिए जानी गई है, सॉफ्ट पॉर्न करने के लिए ना, अगर वो टिकट पा सकती हैं तो मैं क्यों नहीं पा सकती। इसके बाद एक वेबसाइट को इंटरव्यू देते हुए उर्मिला मातोंडकर ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो मेरे पास इसके लिए कोई कमेंट ही नहीं है, मैं बात आगे नहीं बढ़ाना चाहती, मुझे नहीं लगता कि मेरे कुछ कहने को बचा है, क्योंकि जब कंगना इस तरह से इस लहजे से मुझ पर ऐसे कमेंट कर रही थी तो दुर्भाग्य से वहां उस वक्त एक एंकर भी बैठी थी जो खुद एक महिला थी। वो इन सभी बातों से बहुत उत्साहित लग रही थी, उनकी आंखों में अलग सी चमक थी, चेहरे पर क्रेजी स्माइल थी, लग रहा था वो कंगना की बात से इत्तेफाक रखती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये नए तरह का फेमिनिज्म है जो इस देश में आ रहा है। कंगना उर्मिला के उस बयान पर भड़क गई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड में ड्रग्स की बात करने से पहले कंगना को अपने घर यानी कि हिमाचल से ड्रग्स के मसले को खत्म करने के प्रयास करने चाहिए। इससे पहले जया बच्चन ने जब बॉलीवुड को गटर बताने के बयान पर संसद में हमला बोला था तो कंगना ने उनके बेटे बेटी को लेकर काफी तीखी बातें कही थी, उस पर भी खूब बवाल हुआ था। आपके लिए खबर लिखी थी हमारी साथी मेघना ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए तिलल्लन टॉक। लाइफ के फैसलों पर कितना असर पड़ता है आपकी सोसाइटी, परिवार और दोस्तों के दबाव का।